शाहजहांपुर के पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर यौन शोषण और दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली एसएस लॉ कॉलेज की एलएलएम छात्रा को बुधवार सुबह करीब 9:30 बजे एसआईटी ने रंगदारी मामले में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद एसआईटी उसको चौक कोतवाली ले गई, वहां से उसे मेडिकल के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद एसआईटी छात्रा को लेकर कोर्ट पहुंची। सीजेएम की छुट्टी पर होने के कारण एसीजेएम कोर्ट में छात्रा को पेश किया गया। कोर्ट ने छात्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश दिए। चिन्मयानंद के 5 करोड़ की रंगदारी मांगने के मुकदमे में एसआईटी ने 3 युवकों के साथ लॉ कॉलेज की छात्रा को भी आरोपित बनाया। तीनों युवकों को एसआईटी पहले ही जेल भेज चुकी है। छात्रा की अग्रिम जमानत की अर्जी पर मंगलवार को कोर्ट ने राहत दी थी और इस मामले की सुनवाई 26 सितंबर को होनी है, लेकिन इसी बीच एसआईटी ने बुधवार को उसे गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को कोर्ट में पेश होने के दौरान एसआईटी ने पूरे समय छात्रा को अपनी निगरानी में रखा था। लाए थे कि पूछताछ करने आए, फॉरेंसिक रिपोर्ट दिखानी है, इस बहाने से घर पर गए थे और धोखे से जो है बिना कोई नोटिस दिए, बिना गिरफ्तारी दिए कोतवाली में ले आए। कोतवाली में कोई जबरन एक कागज है वो रिसीव कराया गया, उसको फोटो कापी उसकी कि हम गिरफ्तारी कर रहे हैं। क्या कागज है वो? वो जो भी कागज है वो ये है, आप लोग ले सकते हो। एसआईटी कल हमारे घर में पूछताछ के बहाने से घुसी, आज भी ठीक है, कल पूछताछ के बहाने से घुसी और कल हमको एक नोटिस रिसीव कराया कि कल आपसे आग्रह पूछताछ करेंगे दोबारा से आकर के, कृपया करके आप अपने आवास पर स्थित रहें। आवास पर हम स्थित बने रहे, ये सुबह 7:30 बजे आए, इन्होंने 15 मिनट पूछताछ करी। 15 मिनट पूछताछ करने के बाद उससे कही अब तुम्हें अरेस्ट करेंगे, वो घबराई बराबर वाले कमरे में आई, 40 का नोटिस मांगा नहीं दिया इन्होंने, वो बराबर कमरे में आई घबराई हुई, बोली ये पापा मुझे अरेस्ट कर रहे हैं। पापा बोले घबरा मत, कोई बात नहीं, हो जाने दे। तो वो बोली पापा वॉशरूम जाना है, वॉशरूम नहीं जाने दिया, उसे चप्पल भी नहीं पहनने दी। बुरी तरीके से पूनम आनंद विवेचक ऐसा ही, उन्होंने बुरी तरीके से उसको घसीटा। 2019 को प्रातः 9:15 बजे नवीन अरोड़ा आईजी अपने एसआईटी के कुशल नेतृत्व में हम लोग आज मिस ए को इसने गिरफ्तार हम लोगों ने किया था, और जो मुकदमा अपराध संख्या 442 जिसमें धारा 385, 201, 506, 507, 34